मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शांति कुंज अपने गुरु का आशीर्वाद लेने हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि अभी वह आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, मां गंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और वहाँ से यहाँ भोपाल सीधे जाकर चुनाव का आगाज करेंगे। मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर आगे है और देश की जनता बीजेपी के साथ है, तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। गुरुदेव और बंदिनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। यहां से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊंगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूंगा। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी माध्यम है, इससे अच्छा दल कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया है, जो काम जन कल्याण के लिए किया है, वो कई बार सपने जैसा लगता है, जो चीज़ लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकती, लेकिन वो सब चीज़ें अब ज़मीन पर साकार हो रही है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से केंद्र और राज्य सरकार के जो काम हैं, उन कामों के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये हमें विश्वास है। आज परम पूज्य गुरुदेव और बंदिनी माता जी के चरणों में